वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेल्ट रोप एंड चैन ड्राइव का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को देख लिया है। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए, ठीक है। और पहला पार्ट को कम्प्लीट करना है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप उसे कम्प्लीट कर लीजिए अगर आपने कम्प्लीट नहीं किया है तो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रस्सा चालन या फिर रोप ड्राइव। तो रस्सा चालन क्या होता है? जिस प्रकार से बेल्ट ड्राइव होता है उसी प्रकार से रस्सा चालन भी होता है। रोप के द्वारा जो ड्राइव किया जाता है वो रोप ड्राइव भी होता है। इसमें क्या होता है, बेल्ट ड्राइव में बेल्ट का यूज करते हैं, रोप ड्राइव में रोप का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जाना था कि रोप जो बेल्ट ड्राइव का यूज है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे पावर का ट्रांसमिशन करने लिया जाता है, उसी प्रकार से रोप ड्राइव का यूज भी बेल्ट ड्राइव से ज़्यादा डिस्टेंस पे पावर का सप्लाई करने के लिए शक्ति का पारेषण करने के लिए किया जाता है। जब दो शाफ्टें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो वहाँ पर उनको कवर करने के लिए रोप ड्राइव का यूज किया जाता है, रस्सी का यूज किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो उस पर पुलियाँ लगी होती हैं उस पर रस्सी जो गोल होती है, क्रॉस सेक्शन गोल होती है, तो उसके आधे भाग के साइज का उसमें कर बना होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखना समझना चाहें तो यहाँ आप देखेंगे ये जो पुली है वो रोप ड्राइव के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें जो गड्ढा बना हुआ है वो इस तरीके से गोल गोल गड्ढा बना रहेगा जिसमें कि रस्सियाँ फंस के चलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ये तो बीड के लिए है लेकिन ऐसी तरीके से रस्से के लिए भी बनाई जाती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं रोप ड्राइव के बारे में क्या आपके बुक में दिया गया है, उससे हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग पड़ा हुआ है रोप ड्राइव रस्सा चालन। इसके बाद लिखा हुआ है रस्सा चालन पुली पर लगभग अर्धवृत्त आकार का खांचा बना होता है जिस पर रस्सा लपेटा जाता है। एक पुली पर एक या एक से अधिक खांचे भी बने हो सकते हैं। सामान्यतः रस्सा चालन में एक से अधिक खांचे वाले पुली ड्रम प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। रस्सा चालन का प्रयोग काफ़ी दूरी पर यांत्रिक शक्ति पारेषित करने में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग आजकल सीमित स्थानों पर ही होता है, जैसे कि क्रैंक लीवर खानों में, मतलब कारखानों में, रज्जू मार्गों यानी कि रोप वे में, जो कि रस्सी के जो पुल बनते हैं वहाँ पर इसका यूज किया, रज्जू मार्ग रोप वे में जहाँ रस्सी का रास्ता हो आने जाने का, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। मेनली आप क्या ले सकते हैं अच्छे से कि क्रैंक में, लिफ्ट में और कारखानों में, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रोप का ड्राइव, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का आपने दिमाग में सेट कर लेना है, अगर एग्जाम में आएगा तो वो हमको अच्छे से लिख करके आना है। लेकिन रोप ड्राइव का यूज आजकल बहुत ही कम हो गया है। अक्सर देखेंगे जो क्रेन में यूज किया जाता है वहाँ पर जो है जो रोप यूज की जाती है स्टील वायर की यूज की जाती है, ठीक है, स्टील वायर की वहाँ पर यूज की जाती है ताकि मजबूती के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आगे देखते हैं पट्टा या थोड़ा रस्सा के प्रकार। पट्टे में अगर देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। इसके बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा सा बात किया गया था, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से देखा जाएगा क्या चीज़ें हैं। तो देखा जाए बेल्ट, फ्लैट बेल्ट के बारे में, तो इसका काट आयताकार होता है, जैसे कि आप देखेंगे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो आयताकार है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इस चपटे पट्टे के लिए पुलियों की सतह पर भी चपटी होती है, इसकी जो पुली जिस पर चलता है लपेट करके वो भी क्या होती है, फ्लैट होती है। ये पट्टे रबड़, कैनवास या फिर किरमिच तथा चमड़े आदि के बने होते हैं। जो पट्टे का मटेरियल होता है वो रबड़ हो सकता है, कैनवास होता है, किरमिच हो सकता है या फिर चमड़े के बने होते हैं। पट्टे के मटेरियल के बारे में यहाँ बताया गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि आप एग्जाम में ये चीज़ लिख के आएंगे कि पट्टे का मटेरियल क्या होता है, इसे आपको दिमाग में रखना है। आगे इसका निर्माण चमड़े की कई परतों को आपस में जोड़कर या फिर रबड़ या फिर किरमिच की कई परतों को सिलाई करके भी किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका एक ही प्लेट यूज किया जाएगा, इसको कई परतों में बनाया जाता है, ठीक है। 2 लेयर होगा 3 लेयर होगा 4 लेयर, जैसी जहाँ पर पावर की सप्लाई की आवश्यकता होती है वहाँ पर उतने प्लेटों की उन परत लगा करके बनाई जाती है। जैसे आगे बताया गया इन परतों को प्लाई कहते हैं, इन परतों को अगर 1 लेयर होगा तो उसे
प्लाई कहा जाएगा, प्लाई कहते हैं। इस प्रकार दो परतों वाला पट्टा दोहरी प्लाई तथा तीन पर तीन वाली तिहरी प्लाई या ट्रिपल प्लाई पट्टा कहलाता है। जितना पट्टा की परत होगा, जो लेयर होगा, उसको उतने ही उसी के नाम से जाए, डबल लेयर, डबल डबल प्लाई, ट्रिपल प्लाई, ऐसे इसको बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक परतों वाला पट्टा मजबूत होता है तथा अधिक शक्ति पारेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी आवश्यक लंबाई को जोड़ने के लिए हुक्कों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए जितनी लंबाई हमको चाहिए उसकी लंबाई कम पड़ रही है, या फिर लंबाई बढ़ानी है या फिर घटानी है, तो वहाँ पर ज्वाइंट लगाना होता है, वो ज्वाइंट हम हुक के द्वारा बनाते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि ज्वाइंट जो है हुक के द्वारा बनाया जाता है बेल्ट में। ये अभी तक हमने जाना फ्लैट बेल्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर ये फिगर आप एग्जाम में बना के आएंगे, अगर जब ये पूछा जाएगा तो। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बात की जा रही है वी बेल्ट ड्राइव के बारे में, तो इसके बारे में बताया गया है। इसकी कार लंब चतुर्भुज होती है, यानी कि ट्रेपेज़ॉइडल होती है, और इसे इस पट्टी के लिए पुली सतह पर वी आकार का या समलंब आकार के खांच चारों तरफ इस प्रकार बनाए जाते हैं, इससे पट्टा फंस कर चले। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पे जो पुली यूज की जाती है, उस पुली पर भी वी आकार का शेप बना होता है, जैसे कि पट्टे में बना हुआ है। पट्टे में देखेंगे वी आकार का शेप बना हुआ है, इसीलिए इसे वी पट्टा कहते हैं। और यही शेप जो जिस पुली में वो चलना होता है, उस पुली में ही बना होता है, ताकि वो उसमें फंस करके चले, ठीक है, जिससे कोई भी स्लिप ना हो। ठीक है, आगे बताया गया, खांचे का कोण 30 डिग्री से 40 डिग्री तक का होता है। जिसमें खांचा बना होता है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री तक का होता है। आगे बताया गया, बी पट्टा अधिकतर चमड़े या फिर सूती डोर या फिर रबड़ का बनाया से बना होता है। जिसका मटेरियल होता है वो बी पट्टा जो होता है वो चमड़े का या फिर सूती डोर का या फिर रबड़ का बनाया जाता है। आपको मटेरियल अच्छे से ध्यान रखना है, और अगर इमेज एग्जाम में आएगा तो आपको ये वाला इमेज बना करके आना है। इसके साथ साथ ही आप ये भी बना सकते हैं, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहेगी। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप इसे भी बनाइए, नहीं तो फिर इन दोनों को ही बना करके आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा मार्क पाना है तो आप एग्ज़ाम में तेज़ी से लिखिए और इसे भी बनाइए। ठीक है, आगे देखिए, अब रस्से के बारे में बता रहा है, रोप के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है। जो रोप बनता है वो सूत, जूट या स्पार के तारों को बट करके रस्से बनाए जाते हैं। इसकी बनावट वृत्ताकार या फिर आयताकार होती है। इसके द्वारा शक्ति पारेषण पट्टे से अधिक दूरी पर किया जा सकता है। अधिक शक्ति व अधिक दूरी के लिए इस्पात के रस्सों का को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया रस्से के बारे में, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। बस इसका मटेरियल तय कर लेना है, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। सूत हो गया, जूट हो गया, इस्पात के तारों का यूज किया जाता है। ठीक है, अधिक दूरी पर पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अधिक मजबूती के लिए हम लोग इस्पात के तारों का यूज करते हैं। ठीक है, तीन सब चीज़ों को हम लोग को दिमाग में रखना है। और आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग के पास है, आप देखिए यहाँ पर रस्सा वाला दिखाया गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि रस्सा का ट्रांसफर कैसे किया जाता है। जैसे देखेंगे, ऐसे ये जो है जो हमारा पुली है, जिस पुली का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है कि इस तरीके से गोल गोल पार बना होता है, इसमें रस्सी का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है कि इस तरह से रस्सी जो है इसमें फंस के चलती है। अगर साइड से देखा जाए, ठीक है, इसको फुल सेक्शन करके दिखाया गया है। अगर सीधा देखा जाए तो इसमें देखिए रस्सी इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। वी बेल्ट के जैसा ही है, बस इसमें वी ना होकर के यू टाइप में बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो के बारे में, वेग अनुपात के बारे में, किस तरह से वेलोसिटी रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक बात आप लोगों को अच्छे से बता दें कि एग्ज़ाम में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे DMC है, चाहे BMEE है, किसी भी इन सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। ठीक है, केवल थियरी पोर्शन ही पूछे जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है कि आप थियरी इसका तैयार करके जाएँ, थियरी तैयार करके जाएँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार करके जाएँ। इससे अच्छा ये है कि आप सारे थियरी अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें आपका न्यूमेरिकल बहुत ही कम, ये कहा जाए कि केवल 5%, यानी 10 सालों में केवल 2-3 न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं या फिर नहीं भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना रहेगा, वो भी ऑप्शन में आते हैं, तो मेरा ये कहना रहेगा, अगर आपको अच्छे से नंबर ले आना है
तो सबसे पहले सारे थियरी पोर्शन को तैयार कर जाइए, उसके बाद से आपके पास टाइम बचता है तो डेरिवेशन तैयार करिए, उसके बाद भी आपको टाइम बचता है तब जाकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि 90% तैयारी आपकी थियरी से हो जानी है, थियरी ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले थियरी तैयार करिए, थियरी तैयार होने के बाद से जब आपके पास टाइम बचेगा तब जाके सारे डेरिवेशन तैयार करिए, डेरिवेशन के बाद तब न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी रेशियो है क्या चीज़ इसके बारे में। तो हम बताएं कि जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर पुल लगा हुआ है और उसके ऊपर से बेल्ट जो है चल रहा है, जो चलाता है उसे चालक कहते हैं और जो पुली चल रही होती है उसे चलित पुली कहते हैं। तो चलित पुली जो ड्रिवन पुली होती है, चलित पुली का वेग और चालक के वेग के अनुपात को हम लोग वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात कहते हैं, दोनों के हम लोग को अनुपात में ले लेंगे और उसे हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, पट्टा या रस्सा चालन में दोनों के लिए अप्लीकेबल है, चाहे पट्टे के लिए बात करें चाहे रस्से के लिए बात करें, दोनों के लिए सेम बात होगी। तो इसलिए यहाँ लिखा गया पट्टा या फिर रस्सा चालन में चलित पुली मतलब इधर वाले चलित पुली तथा चालक पुली मतलब ये वाले के वेगों में अनुपात को, दोनों का वेग लेख का अनुपात ले लेंगे, दोनों के वेगों में अनुपात को चालन का वेग अनुपात कहते हैं, चालन का वेग अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये बताएगा दोनों के जो कदेश जो अनुपात लेंगे तो उसी को वेलोसिटी रेशियो हम लोग कहेंगे। अब इसमें डेरिवेशन किया गया है थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे कि अब इसे कहा गया है जो चालक है इसी को, जो चालक वाला है इसके व्यास को D1 माना गया है और चलित वाले को D2 माना गया है, और इसके जो रोटेशन को जो रोटेट कर रहा है उसको N1 माना गया है और इसके रोटेशन को N2 माना गया है। यही चीज़ लिखा हुआ है, चालक के पुली का व्यास D1 जो है चालक के पुली का व्यास है, D2 चलित पुली का व्यास है, और N1 चालक पुली की गति है RPM में, और N2 चलित पुली की गति है RPM में, दोनों की गति बता दी गई है, ठीक। आगे बताया गया है कि 1 मिनट में चालक पुली के ऊपर से गुजरने वाले पट्टे की लंबाई, अगर ये 1 मिनट घूमेगा तो कितने पट्टा लंबाई का जो है इसके पार हो जाएगा, तो इसमें क्या किया पाई का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, पाई D1 इंटू N1 पाई, और इसका जो डायमीटर वो और इसका स्पीड RPM में स्पीड, तो पाई D1 N1 ये हो गया समीकरण एक, ठीक है, ये हो गया समीकरण एक। इसी प्रकार से इसके लिए भी पाई D2 N2 ये हो गया समीकरण दो, क्योंकि पट्टे तो एक ही है जो रोटेट कर रहा है, वही लंबाई बराबर होगी, ठीक है, गुजरने वाले पट्टे की लंबाई बराबर होगी, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई डी वन एन वन इक्वल टू पाई D2 N2। अब हम देखेंगे दोनों तरफ क्या क्या कॉमन है, पाई पाई कॉमन है तो पाई पाई काट दिए, तो क्या बस गया D1 N1 इक्वल टू D2 N2। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए D1 इधर है तो D2 को नीचे ले गए तो D1 by D2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे D1 इधर है तो D1 यहाँ है और D2 को नीचे ले गए तो D2 हो गया, और N2 इधर है तो N2 इधर है और N1 यहाँ हो गया, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं N2 by N1 और D1 by D2। तो ये हमारा एक फार्मूला बन करके आ गया, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है कि N2 by N1 इक्वल टू D1 by D2, ठीक है। ये वेलोसिटी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को इस तरीके से निकाल लेना है, अगर ये डेरिवेशन आएगा तो बहुत ही ईजी है और ऐसे डेरिवेशन आएंगे। देखिए अब आगे क्या क्या कहा गया इसमें, इसमें जो पट्टे की मोटाई है, अभी तक हम लोग पट्टे की मोटाई नहीं मान रहे थे, इसमें पट्टे की मोटाई कुछ भी नहीं माना गया था, लेकिन अब नीचे क्या क्या केस लगा दिया है कि अगर पट्टे की मोटाई टी हो तब कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। जब पट्टे की मोटाई टी ले दी जाएगी तो जो फार्मूला आया है N2 by N1 इजकल टू D1 by D2, इसी D1 में पट्टे की मोटाई को जोड़ देना है, अगर टी पट्टे की मोटाई है तो हम लोग को डी इसमें जोड़ देना है, बस हमारा नया फार्मूला निकल के तैयार हो गया, ठीक है। जब पट्टे की मोटाई दी हो तब ये फार्मूला हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि कब ये फार्मूला माना गया है, इसमें ये माना गया है
कि पट्टे और पुली के बीच मध्य कोई फिसलन नहीं हो। आपको ये बता दें, जब पट्टा और पुली पर चलता है तो स्पीड तेज होने की वजह से या फिर बहुत स्लो होने की वजह से पट्टा क्या करता है, पुली पर स्लिप करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये मान के चलेंगे कि पट्टा पुली पर स्लिप नहीं कर रहा है, पूरी तरह से 100% पुली और पट्टे का वेग जो है एकदम बराबर ही है। और उसी कंडीशन में यहाँ मान के चल रहे थे कि पट्टे और लंबाई में खिंचाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं रहा, और पट्टे की जो लंबाई है वो खिंचाव के कारण, जब पट्टा चल रहा है खिंचाव लग रहा है उसके कारण पट्टा की लंबाई बढ़ नहीं रही है, खिंचाव का पट्टे की लंबाई जितनी थी उतनी ही है, तब जाकर पीछे वाला फार्मूला को डराइव किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या केस आया हुआ है। आगे केस है वेग अनुपात और पट्टे की मोटाई का प्रभाव, और जो वेग अनुपात जो हम निकाले हैं उससे पट्टे की मोटाई का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पट्टे की मोटाई बहुत पतली हो या फिर बहुत ज़्यादा हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वेलोसिटी रेशियो पे, ये बात। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सेम फार्मूला यहाँ पे ये फिगर बनाइएगा, वही फार्मूला उठा कर यहाँ पे आप रख देंगे कि इसमें जोड़ देंगे, और जो वेरिएशन आएगा इससे पहले वाले जो फार्मूला पड़े थे N2 by N1 = D1 by D2, ठीक है, पहले वाला हो गया जब पट्टे की मोटाई कुछ नहीं माना गया था, अब यहाँ पट्टे की मोटाई माना गया है तो टी लिख दिया गया, जब दोनों से वैल्यू निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही उस पर प्रभाव होगा। ठीक है, आगे देखें, आगे बताया गया है वेग अनुपात पर फिसलन का प्रभाव। अभी तक हम लोगों ने यह माना था कि जब स्लिप ना हो रहा हो, ठीक है, अब ये मान के चलेंगे कुछ स्लिप हो रहा है, परसेंटेज में कुछ स्लिप हो रहा है, तो मान लीजिए P1 जो है चालक पुली तथा पट्टे पुली का प्रतिशत फिसलन जो परसेंटेज स्लिप है, और P2 जो है वो भी परसेंटेज स्लिप है, जब P1 है वो चालक का है और जो P2 है वो चालक का है, दोनों चालक लिख दिया गया यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए ये सिर्फ पहले जैसा ही है, N1, N2 और D1 जो पहले जैसे पड़े हैं, और चालक की परिधि का वेग πD1N1 ये पहले से हम लोग जान रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो पहले की स्पीड थी जो πD1N1 है वो पहले की स्पीड थी, और जो स्लिप के बाद क्या होगा, जो स्पीड है उसी में थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब πD1N1 में से कुछ कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, P1 परसेंटेज कम हो रहा है, तो घटा लिए, ये जब घटा लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो πD1N1 कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट में 1 - P1/100 बच जाएगा, तो ये चीज़ बच के आ गया है। इसी प्रकार से दूसरे के लिए भी है, दूसरे के लिए में थोड़ा सा ये हो जाता है कि दो बार स्लिप हो जाएगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, इसके लिए क्या किया गया है, अब लोग आगे देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ गई हैं, देखिए जो N2 होगा यहाँ पे दो बार घटा लेना बस। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं तो बस समझ लीजिए इसको। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम लोग एक चीज़ मान के ये कर सकते हैं कि जो P1 फिसलन है वो चालक पे है, और P2 फिसलन जो है वो चलित पे है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा P आ जाएगा। ठीक है, और जो P आ रहा है दोनों को जोड़ लिए तो कुछ नहीं करना है, N2 by N1 = D1 by D2, और दोनों का P है तो 1 - P/100, बस ये हमारा फार्मूला बन के आ गया। ठीक है, N2 by N1 = D1 by D2 (1 - P), दोनों के जो स्लिप चालक और चलिक ड्राइवर डिवेन दोनों के परसेंटेज को ऐड कर देंगे, एक नया परसेंटेज मिलेगा, वही परसेंटेज यहाँ पर फार्मूला में लगा देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, डेरिवेशन के चक्कर में बाद में पढ़ना है, पहले सारे थ्योरी तैयार कर लेना है, उसके बाद से डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है कंपाउंड बेल ड्राइव, यानी कंपाउंड बेल ड्राइव का वेग अनुपात निकालना। अभी तक हम लोग जो निकाला था सिंपल था, दो था, ठीक है, केवल एक चालक था एक चलित था। ठीक है, जबकि इसमें देखेंगे कि इसमें चार जो है पुली लगे हुए हैं, जब इस तरह कंपाउंड वाला केस आ जाएगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज़ यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले दो की बात कर लें, दो तो हम लोग जान गए हैं कि N1 तो दो में N2 by N1 और D1 by D2 होता है, ये चीज़ हम लोग सीख लिया है। ठीक है, अगर ये चीज़ सीखा है, इधर वाला क्या था N1 D1 था, और यहाँ वाला क्या था N2 D2 था, यहीं पे एक और लगा हुआ है, एक और ये, ठीक है, ये दो है और ये तीन है, इसके पीछे वाले की बात करें तो ये हो जाएगा N2 N3 और D3, और यह हो जाएगा N4 और D4। अब इसके हमें फॉर्मूला बनाना है,
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि ऊपर क्या था, टू था, मतलब यहाँ थ्री हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर लिख सकते हैं इसको इस तरह से फोर, और यहाँ हो जाएगा आपका डी फोर बाई डी थ्री। बस इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिख लिया गया, या फिर इसको प्लट देंगे। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको प्लट देंगे तो क्या हो जाएगा, डी फोर एन फोर बाई एन थ्री और डी थ्री बाई डी फोर, ठीक है। तो यहाँ पे वन था तो यहाँ पे थ्री आ गया, अब ये सही बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट बैठा लीजिए, या तो फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप दिया है उस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसको समझा दे रहे हैं, तो ये फार्मूला वन हो गया, ये फार्मूला टू हो गया। तो देखिए ये दोनों दो और एक जो एक ही शाफ्ट पर है, एक ही शाफ्ट मतलब स्पीड सेम होगी, ठीक है। जब स्पीड सेम होगी तो कुछ इसमें से कटेगा, वो क्या कटने वाला है देखिए। अब हम लोग दोनों इस समीकरण को, समीकरण का समीकरण को, इक्वेशन को एक साथ मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग कुछ इस तरीके से ये लिखा जाएगा, कैसे एन टू बाई एन वन इंटू एन फोर बाई एन थ्री इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू जो इसके साथ में था, और इंटू जो इसके साथ में था वो क्या था, डी थ्री बाई डी फोर। तो क्या कट जाएगा, स्पीड सेम है, किसकी किसकी स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है दो और तीन की, दो और तीन की स्पीड क्यों सेम है, क्योंकि दोनों एक ही शार्ट पर लगा हुआ। देखिए यहाँ पे ये दो और तीन एक ही शार्ट पर लगा हुआ, तो ये शार्ट का रोटेशन तो सेम रहेगा, तो एक ऊपर है और एक नीचे है। अब मान लीजिए दोनों का ये मतलब कि स्पीड जो है 100 RPM होती, नीचे भी 100 RPM होती, 100 कट नहीं जाता, तो भी कट जाएगा। जो हमको नया फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन फोर बाई एन वन इजकल टू डी वन बाई डी टू इंटू डी थ्री बाई डी फोर। ये जो फार्मूला बनेगा वो नया बनेगा कंपाउंड के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, अब इसमें स्लिप निकालना होगा। तो नया केस बताएगा इसमें कि जब इसमें फिसलन हो रही है, जब फिसलन को गणना किया जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब इसमें स्लिप हो रहा हो तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, बस आपको मान लेना है कि स्लिप कितना है। पहले वाले पेयर में स्लिप पी वन है, दूसरे वाले में जो स्लिप होगा वो पी टू है, और दोनों को कंबाइन करके निकाल देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको पहले से पता है, ये भी पहले से ही पता है, ठीक है। अब इसको बस कंबाइन करना है, कैसे करना है, एन फोर बाई एन थ्री, एन फोर बाई एन थ्री और एन फोर बाई एन थ्री गलत कर दिया, एन फोर बाई नहीं एन, ये वन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देगा डी वन बाई डी टू इंटू डी थ्री बाई डी फोर इन ब्रैकेट या फिर मीडियम ब्रैकेट, और यहाँ पे पी वन प्लस पी टू कर देंगे इन ब्रैकेट में, और यहाँ पे 100। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला, बहुत ही इजी है जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये ओवरऑल जो है आपका स्लिप निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको तब सीखना है जब आपका थ्योरी तैयार हो जाएगा, तब आपको डेरिवेशन सीखना है। अगर आपको डेरिवेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना है, अगर डेरिवेशन कुछ टफ नहीं है, इन दोनों को आपको तैयार ही है, इन दोनों को लिखिए और इन दो सीधे लिखिए कि इन दोनों को गुणा करने पर, ठीक है। उसके बाद ये खट से लिख के चले आइए, पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। कोई काट नहीं सकता है, अगर समझ में नहीं आ रहा तब ये करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है, किताब में बहुत ईजी वे में दे रखा है, तो आपको समझ के कॉपी पर दो बार लिख के तीन बार लिख के तैयार करके तब जाना है, ठीक है। आगे देखिए, बस हम लोग ख़त्म ही करने वाले हैं। लेंथ ऑफ बेल्ट, बेल्ट की लंबाई निकालने का फॉर्मूला निकालना है। ये जब बेल्ट ऊपर से लगा हो तो उसे बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव, जबकि खुला पट्टा चालन, और जब इसी को क्रॉस करके लगाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस या फिर क्लोज बोल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपको यहाँ पर सीधे फार्मूला दिया गया है, इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है, तो आपको फार्मूला सीधे याद कर लेना है। ये है ओपन के लिए, तो यहाँ पर हल्का सा फिगर बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, ये ओपन जो है इस तरीके का ओपन बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है। जब भी क्रॉस बोलेगा तो क्रॉस का फिगर बना लीजिएगा, सारी चीज़ों को यहाँ पे बता देना है, ये हमारा क्रॉस हो गया, ठीक है। रेडियस बता रखा है आर वन आर टू, ठीक है, और पाई और एल जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की
दूरी जो है यल है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखा रखा है। तो आपको यहाँ पे सीधा फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस में डेरिवेशन तो है नहीं। तो ओपन बेल ड्राइव के लिए क्या है, कैपिटल एल पाई इन ब्रैकेट में आर वन आर टू दोनों के रेडियस को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आर वन ये आर टू दोनों के रेडियस को ऐड कर देना है, फिर प्लस टू एल और दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का टू एल प्लस, आगे बीच बुक में थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस अंडर रूट आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर बाई एल। सेम फार्मूला नीचे भी है, एल इजकल टू क्रॉस बेल्ट के लिए एल इजकल टू पाई इन ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू प्लस टू एल माइनस, ये बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है क्रॉस में, ये माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर बाई एल, ठीक है। इन दो फार्मूले को आप याद करने वाले हैं, ठीक है, याद करके ही जाएंगे। अब यह आता है पावर ट्रांसमिशन, किस तरह से शक्ति का ट्रांसमिशन किया जाएगा इसके बारे में, ये बहुत ही आसान है। आपको ये वाला फिगर बनाना है, नीचे T1 लिखना है, ऊपर T2 लिखना है, ठीक है। जब बेल चलता है तो नीचे की तरफ टाइट होता है, ऊपर की तरफ हल्का सा लूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है हम लोग को, और इसके लिए पावर का क्या करेंगे, जो टाइट होगा उसमें ज़्यादा तनाव होगा, जो ढीला होगा उसमें कम तनाव होगा, तो कुछ नहीं करना, पावर में जहाँ ज़्यादा तनाव हो ज़्यादा बेल हो T1 और T2, ठीक है, और ये वाट में होगा, बस ये पावर आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब बस आपको ये पढ़ लेना है, चार लाइन का है कि चालक पुली एक ओर से पट्टे को खींचकर दूसरी ओर तरफ देती है, अतः तनाव T1 तथा तनाव T2 से अधिक होगा, ठीक है। तनाव T1 कसी सतह का तनाव है, T2 जो ढीली सतह का तनाव है, ठीक है। अभी पट्टे का वेग है मीटर पर सेकंड में, और अभी इस प्रति सेकंड किया गया कार्य बराबर प्रभावी तनाव गुणे चली गई दूरी। प्रभावी तनाव क्या होगा, इन दोनों तनाव को आपस में घटा लेंगे तो T1 माइनस T2 हो गया, और V क्या है, V हमारा वेग है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, T1 माइनस T2 इंटू V, और आंसर कितने में आएगा, वाट में आएगा, पावर है तो वाट में आएगा, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। बहुत ही ईजी है, हमको बहुत जल्दी बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो आधा घंटे की ना हो जाए, आधा घंटे तो हो ही चुकी है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से बैठ के पढ़िएगा इत्मीनान के साथ से, तो एक चैप्टर को अगर 2 घंटे देंगे तो 10 चैप्टर आपके बुक में हैं, 10 से 12 चैप्टर तो 24 घंटे में, मतलब कि 3 से 4 दिन आप पूरी बुक ख़त्म कर सकते हैं बैठ करके, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आगे जो बचा है एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट, इसके बारे में एक मिनट, हाँ यहाँ से एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और सारे थ्योरी पार्ट को सारे को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।